नेता से कबूतक डरते रहेंगे, जो मजे दूर ठेला ठेलते रहेंगे, होगा बिहारी का सिस्टम बेकार, तो मनीष कसे बन तुम्हें रेलते रहेंगे। रेलते रहेंगे नेताओं के दलाल को, करप्ट इंजीनियर न सेरी सरकार को, रेलते रहेंगे जो लूटा है बिहार को, गरीब मजदूर और लुटेगा किसान को, अपराधी नहीं, हक्का लड़ने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश। सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब वो आर्मी का बेटा। दम है तमिल केस को पर्दाफाश करो, जनता का हक क्या सही गलत जांच करो, कहने से बिहार बदलेगा नहीं, आप ग्राउंड पे आके प्रयास करो, जो कर रहा प्रयास उसको रोको नहीं, अब मंजिल मिलने से पहले टोको नहीं, पीठ थपथपाओ खरोचो नहीं। अगर अपराधी वाकई में रहते तो इतना टाइम क्यों लग रहा है उनको ये फैसला आने में, कोर्ट का फैसला आने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर जिस तरह से जितना जल्दी उनको अरेस्ट किया गया, कुर्की जब्दी किया गया, उस तरीके से फैसला भी आ जाना चाहिए था। कि बिहार के लाल पूरे देश में अब छाए जा रहे, सिस्टम का झोल पोल पब्लिक को बताए जा रहे। सब लोग मिलकर एक बार फिर से इस पे आवाज़ उठाया जाए, जो गरीबों के मसीहा बन चुके थे हमारे बिहार के, जो निर्दोष है उनको, उनके लिए आवाज़ उठाया जाए। एक ऐसा नाम जो बिहार ही नहीं बल्कि भारत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी हमारे साथ पवन सिंह सोहन है, जो उन पे पहली बार रैप गाए थे। मनीष कश्यप के बारे में क्या कुछ विचार है? सबसे पहली बात तो अभी उनके साथ जो हो रहा है, बहुत दिन से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शुरुआत में बिहार के जितने भी लोग हैं, सारे लोग बहुत कोशिश किए थे। अभी जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मामला शांत होते जा रहा है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मतलब मेरे तरफ से ये होगा कि सब लोग मिलकर एक बार फिर से इस पे आवाज़ उठाया जाए, जो गरीबों के मसीहा बन चुके थे हमारे बिहार के, जो निर्दोष है उनको, उनके लिए आवाज़ उठाया जाए। निर्दोष है कि दोषी हैं, आप कैसे फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम एक जनता है और जनता मेरे नज़र से वो निर्दोष है। हालाँकि ये मामला कोर्ट का है तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मेरे नज़र में तो निर्दोष है, क्योंकि हम उनके साथ टाइम स्पेंड किए हैं और हमको जहाँ तक लगता है वो जिस केस में उनको फंसाया गया है और NSA लगवा दिया गया है, तो NSA लगता है किसको, अपराधी को। तो ये चीज़ तो उनके साथ गलत हुआ है, तो हम बोल सकते हैं हम उनके साथ रहें तो हमको पता है कि तो हो सकता है कि वो अपराधी वाकई में हो। तो अगर अपराधी वाकई में रहते तो इतना टाइम क्यों लग रहा है उनको ये फैसला आने में, कोर्ट का फैसला आने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर जिस तरह से जितना जल्दी उनको अरेस्ट किया गया, कुर्की जब्दी किया गया, उस तरीके से फैसला भी आ जाना चाहिए था जी। अच्छा, पहली बार आपने उन पे रैप गाया था, वो रैप किस कदर था? उसमें हमारे भाई साहब है, सिंगिंग किए थे, पहले ये सुनाएंगे फिर हम आपको रैप सुनाएंगे। थोड़ा सा आते इसे है। नेता से कबूतक डरते रहेंगे, जो मजे दूर ठेला ठेलते रहेंगे, होगा बिहारी का सिस्टम बेकार, तो मनीष कसे बन तुम्हें रेलते रहेंगे। उसके बाद भाई का रैप। रेलते रहेंगे नेताओं के दलाल को, करप्ट इंजीनियर न सेरी सरकार को, रेलते रहेंगे जो लूटा है बिहार को, गरीब मजदूर और लुटेगा किसान को, हैरान होते हैं जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, कभी कालिदास विद्यापति जी के मिस्ट्री, मौर्य वंश के विराट सम्राज को, चंपारण सत्याग्रह के आगाज को, लीक होता पेपर एग्जाम से पहले, पुलिस की धांधली मजाल कोई कह ले, भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ, पब्लिक अच्छे गाने को बजाओ, बिना काम वेतन काम करे तो घुस, जनता की हालत जैसे का जूस, खुश होकर छापते हैं बड़े बड़े नोट, बन जाते गीदर जब लेना होता वोट, अपराधी नहीं, हक्का लड़ने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश। सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब वो आर्मी का बेटा। रैप में एक लाइन था, भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ, क्या लगता है भोजपुरी गाने पे सेंसर लगेगा? लगे या ना लगे, लेकिन मनीष कश्यप जी पे तो NSA लग गया ना, तो बिहार में ये चीज़ है, जो लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है, जो चीज़ नहीं लगना चाहिए वो लग जा रहा है। जिक्र किया ये बिहार को बदलना है, क्या लगता है बिहार इतनी आसानी से बदलेगा? वही चीज है, कोशिश कर रहे थे हम। मनीष कश्यप जी भी लगातार बिहार बदलने की बात करते थे, लेकिन अभी तमिलनाडु के जेल में है। हाँ, तो वही चीज है कि जो लोग आगे आएंगे, आवाज उठाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा, उन पे NSA लगेगा। सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, हम पहले भी डर नहीं लग रहा है वो, नहीं जब वो आवाज़ उठा रहे तो उस टाइम हम सरकार के खिलाफ, चाहे हम अपने गाने के माध्यम से, हमारे जितने भी रैप है ना, सब उनके खिलाफ ही होता है, तो हमको डर वर नहीं लगता है। क्यों? बस नहीं लगता है। अगर आप पे NSA लगा तो? लग जाए तो क्या दिक्कत है, मनीष कश्यप जी पे लग गया है तो क्या दिक्कत है उनको? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन डर कर नहीं रह सकते ना हम लोग। उनकी गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के बाद भी आपका एक गाना आया था, हाँ। वो कैसे था? उसमें सिंगिंग पार्ट, इसमें सिंगिंग पार्ट ऐसे है कि गलती इतना की नहीं, डरते मोनिस सर नोट पे ना मरते हो, ये भाई हो गरीब गरीब के दुख स मझते हैं हक के लिए लड़ते हो, इस टाइप से सॉन्ग। अच्छा, मतलब सिंगिंग आप करते हैं, रैप आप करते हैं, तो रैप वाला पार्ट बचा हुआ है। हाँ, वैसी था। दम है तमिल केस को पर्दाफाश करो, जनता का हक क्या सही गलत जांच करो, कहने से बिहार बदलेगा नहीं, आप ग्राउंड पे आके प्रयास करो, जो कर रहा प्रयास उसको रोको नहीं, अब मंजिल मिलने से पहले टोको नहीं, पीठ थप थपाओ खरोचो नहीं। क्या लगता है कब तक आ जाएंगे, मतलब लगता है उम्मीद है? उम्मीद तो है, लेकिन मेरे मन से हो तो अभी आ जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब आपके मन से हो तो अभी आ जाए? अभी आ जाए, अभी। हाँ, लेकिन लोगों का फेवरेट गाना कौन सा है? हमारा हम तो वैसे रैप सॉन्ग करते हैं, ये सिंगिंग करते हैं, दोनों लोगों का कोलैबोरेशन होता है, तो कौन सा मतलब आप मतलब दोनों का फेवरेट? या पूरे खुद का? खुद का तो बस पहले तो एक बिहार वाला रैप है हमारा, वो गाना हमारा फेवरेट है क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूज गया है। तो सिंगिंग आपसे स्टार्ट होगा? बिहार वाला रैप में सिंगिंग टू में सिंगिंग है, फर्स्ट में सिंगिंग, फर्स्ट में रैप ही है, तो भाई उसमें रैप ही है। ठीक है, तो फिर सेकेंड ही सुनाते, उसमें सिंगिंग पार्ट है भाई का ऐसे है। सुन पगली पगली कभी आओ ना बिहार में, अंतर दिखा है तुम्हें शेर और सियार में, पटना का राजा हूँ गिर जाओगी प्यार में, कल से ही साथ तुम दिखोगी अखबार में, पगली पगली कभी आओ ना बिहार में। इसके बाद भाई कह रहे ऐसे था, मम्मी से बढ़िया यहाँ प्यार नहीं देखा, दादी से बढ़िया दुलार नहीं देखा, जुआ का वैल्यू बाप दादाओं से सीखा, जिंदगी है झंड जो बिहार नहीं देखा, इस टाइप से। अच्छा, अब क्या लगता है मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद क्या वाकई में आपका जो आप गाना था उस लायक है? हम तो पहली आप गाना को आप सुन सकते हैं, मनीष कश्यप रैप सॉन्ग, आप सर्च मारिए यूट्यूब पे, उसमें एक एक वर्ड आपको सही लगेगा। जैसे आप शुरुआत, वो गाना सबसे ज़्यादा मिनट का अभी तक जो हमारा गाना बना है, उस गाने को आप गौर से सुनिएगा ना तो लगेगा मतलब हम पहली भविष्यवाणी कर चुके थे, इस तरह से था उस गाने में। हालांकि जब हम उनका बहुत बड़ा फ़ैन थे, पहले मिले नहीं थे कभी, तब उनको देखकर बहुत चीज़ हम सीखे हैं, बहुत बहुत कुछ सीखे हैं। पहले फ़ोन में देखते थे, धीरे धीरे उनसे बात हुई, पहले रैप किए, फिर बात हुई, फिर मिले, फिर उनके साथ काम किए, कहीं भी देखते थे ना कोई भी मुद्दा उसको पहले उठाते थे, मतलब पहले सोचते थे कि इस चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं जी। क्या लगता है बिहार इन फ्यूचर बदलेगा या फिर बिहार का सिस्टम ऐसे ही घिसपिट के चलेगा? आज एक मनीष कश्यप पैदा लिए हैं, कल होकर हजारों मनीष कश्यप पैदा लेंगे और बिहार को बदलना पड़ेगा। लगता नहीं कि मनीष कश्यप पेने से लगने के बाद लोग डर भी गए हैं? डरने वाले डरेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं डरे हैं, जो डरे हैं वो तो छोड़ ही देंगे इस लाइन को, या किसी भी लाइन में अगर वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अगर वो डर जाएंगे तो छोड़ देंगे। मनीष कश्यप जैसे जितने भी लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि वाकई में बिहार बदले, वो नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे साथ पवन सिंह सोहन थे जो मनीष कश्यप पे पहला रैप सॉन्ग गाए थे, उसके बाद हजारों सॉन्ग मनीष कश्यप पे आ चुके हैं और लगातार सुर्खियों में मनीष कश्यप इसलिए है क्योंकि वो तमिलनाडु के जेल में बंद है और उन पे NSA लगा है, और तमाम उनके फैन ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बिहार वापस आए। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।